नमस्कार, हाजिर हूँ सचिन दीक्षित एक बार फिर से बड़े खुलासे के साथ। और खुलासा भी उस चीज का जिस पर अधिकारी तंत्र काम नहीं कर रहा है। अधिकारी वर्ग वह जिनके पास लगातार सूचनाएं पहुंची, उनके पास कागज पहुंचा, बिंदु पहुंचे, उस बिंदु पर अब तक काम। मैं बात कर रहा हूँ अग्निसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश पाटिल के नेतृत्व में 8 फरवरी जो बीती है उस पर पहला मोर्चा गया था कलेक्ट्रेट ऑफिस में और उन्होंने कई मुद्दे रखे, 40 मुद्दे थे। उन मुद्दों पर ब्यूरो गेट्स और अधिकारी तंत्र की मीटिंग हुई जिस पर सहमति ये बनी कि 12-13 मुद्दों पर जल्द ही उस पर काम करके दिया जाएगा। लेकिन आज फिर से, चूंकि ये जून चल रहा है, महीने काफी बीत चुके हैं, कारण ये भी बताया जाता है कि आचार संहिता लागू थी, लोकसभा के चुनाव थे, हम यानी अधिकारी तंत्र उसमें व्यस्त था और काम नहीं हो पाया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस तरह के कामों में अगर अधिकारी अपनी ढीला और जिस तरह से काम है उनके वो नहीं हो पाएंगे, और वो ब्यूरो गेट्स की मीटिंग कहाँ गई जिसने आश्वासन दिया था कि हम काम करके देंगे, उस वो लगभग आचार संहिता पे आके अटक गई, उसके बाद तो लागू हो जाना चाहिए था और काम हो जाने चाहिए थे, अब तक नहीं हुए। इस पर हम बातचीत करेंगे कैलाश पाटिल से, हम बातचीत करेंगे किन किन प्रमुख मुद्दों पर आखिर उनकी बातचीत थी। मुद्दे बिल्कुल साफ हैं, रोजगार के थे, पर्यटन के थे, दवाखाना के थे, और खासकर उन भूमिपुत्रों के हक अधिकार की बात थी जो उनको चाहिए थे। हम सीधे बातचीत करते हैं कैलाश पाटिल से, हम बात करेंगे उनसे इन प्रमुख मुद्दों पर, और भ्रष्टाचार का आरोप जो इनका लगा है महानगर पालिका पर वो भी हम बातचीत करेंगे, और बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरीके से इस पूरे मुद्दे पर उनका अगला कदम क्या होगा। ये सीधे मुलाकात करते हैं कैलाश पाटिल से, मैं कोई औपचारिकता नहीं दिखा रहा हूँ आपको, सीधे मुलाकात करते हैं कैलाश पाटिल जी। नमस्कार। कैलाश जी, आप पहले भी खुलासे कर चुके हैं, पहले भी हमारे बात काफी हो चुकी है, इस बार क्या है मुद्दा? आपके 40 मुद्दे थे, 12 मुद्दे पर आपकी सरकारी तंत्र के अधिकारियों से बातचीत हुई, वो काम करने की सहमति जताए, मुद्दे कौन से हैं और किन मुद्दों के लिए काम नहीं हो पा रहा है? देखिए, 8 फरवरी को जो हमारा मोर्चा निकला, उसके बाद हम लोग 40-42 हमारे मुद्दे थे वो लेके हम सीएम साहब से मिले, तो वो टाइम में सीएम साहब ने ब्यूरोक्रेट्स को, कलेक्टर को जो डायरेक्शन दिया है वो हिसाब से जो उनके अखैद कलेक्टर के जो राइट्स में है वो 12-13 मुद्दे हैं, उनके ऊपर हम लोग ने 12 तारीख को जो कलेक्टर के पास पूरे जिले के ब्यूरोक्रेट से, सब डिपार्टमेंट से लोग थे, उनके सामने एक मीटिंग हो गई। वो मीटिंग में हम लोग ने 12-14 मुद्दे दिए थे, मगर अभी तक उसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमको दिख नहीं रहा। अधिकारी तंत्र का कहना है कि आचार संहिता लागू थी इसलिए लेट हो गया, मगर इलेक्शन का जो मुद्दा था, इलेक्शन था, आचार संहिता था, अभी आचार संहिता 29 तारीख को खत्म हो गई, अभी कल हमको वापस बुलाया उन्होंने, उसमें जो मुद्दे है हमारे, सबसे पहला मुद्दे है वो ये जीएम ब्रेवरीज है, यहाँ भूमिपुत्र का मैं नौकरी की बात कर रहा हूँ, जीएम ब्रेवरीज है यहाँ कम से कम 40-50 साल से कंपनी है जहाँ दारू बनती है, और वो हमारा पानी 4-5 टैंकर उनके चलते हैं। मैंने 2 महीने पहले सबको लेटर लिखा है, कलेक्टर को लिखा है, प्राण को लिखा है कि अनऑफिशियल पानी ये लोग उपसा करते हैं जिसके वजह से वाटर टेबल डाउन हो रही है, पानी के प्रॉब्लम है। ए जीएम ब्रेवरीज में एक ही लोकल आदमी आज काम करने के लिए काम नहीं कर रहा है। एज पर लॉ, एज पर इन्होंने जो सबमिशन किया है उसके हिसाब से 80% उन्होंने लोकल लोगों को काम देना चाहिए। सेम थिंग अमूल डेयरी का सब्जेक्ट है, अमूल डेयरी का सब्जेक्ट में परमानेंट लोग कितने हैं, पगार कितना है? आप चाहते हैं कि उनको परमानेंट हो जाए, परमानेंट हो, उनको पगार अच्छा मिले। मेरे भूमिपुत्र उधर काम करने चाहिए, और तीसरी एक है जो नवनीत करके, उधर भी हमको वही चाहिए। लोकल लोगों को इधर मैक्सिमम काम देना चाहिए, 50-60% हमारे लोगों को, हमारे गांव के जो इधर के 91 गांव है, पालघर तालुके में से 48 गांव है, उसमें से लोगों को इधर जॉब देना चाहिए, वो सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद का सब्जेक्ट है भ्रष्टाचार, विरार वसी महानगर पालिका का भ्रष्टाचार के बारे में हम लोग ने लिखा है कलेक्टर को, उसके ऊपर एक जॉइंट मीटिंग कलेक्टर ने इंटरफेरेंस करना चाहिए और यहाँ के मीटिंग देनी चाहिए। जूली ब्लेड के पर्यटन का सब्जेक्ट है, जूली ब्लेड के बांध बंदिशी का सब्जेक्ट है, फिशरी का सब्जेक्ट है, मत्स्य व्यवसाय जो है उसमें मैक्सिमम हमारी जो महिला है उनको सक्षम करने के लिए पूरे जो सब्सिडी कैसी आएगी उसको कैसा गाइडलाइन करना है वो सब्जेक्ट है। फिर यहाँ सर्वभूमि दफन भूमि का सब्जेक्ट जो है कलेक्टर साहब ने बोला था इसमें इंप्लीमेंट में 8-10 दिन में करूँगा, उसके ऊपर अभी तक इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं है। सरकारी दवाखाने में जो परिस्थिति बहुत गंभीर है यहाँ,
उसका सब्जेक्ट है पालघर तालुका में आगरी जो गांव है गावठन है गावठन का रह रहे गावठन में उसको उनके नाम पे होना चाहिए वो सब्जेक्ट है। मेरे 5 से 6 हजार एकड़ जमीन है जो मेरे भूमि पुत्र की और किसी को मैं इसके पहले भी बोला है जो लीज पे दी है वो लीज रिन्यू नहीं होनी चाहिए और मेरे भूमि पुत्र को वो वापस मिलनी चाहिए। रेशनिंग में हम लोग ने रेशन दुकान के लिए एप्लीकेशन दिए उसका फॉलो फास्ट होना चाहिए। नांदेड़ गांव के नांदेड़ जो 17 गांव है सफाले के उसमें फिल्ट्रेशन प्लांट का सब्जेक्ट था वहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है वहाँ का जो पानी आ रहा है वो गंदा पानी गाँव वालों को दिया जा रहा है उसके वजह से गाँव वालों की के सेहत को बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तो वो फिल्ट्रेशन प्लांट होना चाहिए। नारंगी फ्लाईओवर का बात था देन ग्लोबल सिटी जो है यहाँ की एक बड़ी टाउनशिप है इन्होंने 5 साल पहले 2 करोड़ रुपए ऑफिशियली पानी कनेक्शन के लिए दिया हुआ है मगर आज तक उनका पानी कनेक्शन लगा नहीं है। वैसे महानगर पालिका में बहुत रस्से जो उनकी परिस्थिति खराब है उनके ऊपर जो काम हुआ अभी यहाँ MMRDA ने खर्चा किया लोग बोलते हैं उसके ऊपर जो प्राइवेट एजेंसीज ने जैसा जियो है इन्होंने केबल लाइन डाली है वो खोद काम करने के बाद वो ट्रीटमेंट वापस उसको दे के वो बनाया नहीं गया तो इतना करोड़ रुपया खर्चा करने के बाद भी प्राइवेट सेक्टर को परमिशन दी किसने नगर पालिका ने दी PW ने दी तो उसके ऊपर चौकसी होनी चाहिए ऐसा विषय लेके हम कल जा रहे हैं। अब इसमें सवाल ये है कि आपने महानगर पालिका पर आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार करती है उनके भ्रष्टाचार विकास करते हैं और विकास के अंदर भ्रष्टाचार है या अधिकारी तंत्र भ्रष्ट है अधिकारी भी और यहाँ के पॉलिटिक्स जॉइंटली है सब भ्रष्टाचार सबको मालूम है 200 रुपया फूट क्या है सीधा किस पर? दोनों के ऊपर यहाँ के देखो एक हाथ से ताली नहीं बजती है नगर यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स भी यहाँ के पॉलिटिशियन भी सहारा सबसे किसके तरफ से मिल रहा है आपको क्या लगता है कि इस भ्रष्टाचार को जो सहारा मिल रहा है यहाँ के जो नेता बोलते ना वो लोग है ना उसमें सबको मालूम है नेता एक ही नेता यहाँ का लोक नेता बोलते हैं हम नहीं मानते लोक नेता की उनकी व्याख्या अलग है हमारी अलग है नाम क्या लेना है सबको मालूम है किसी का नाम क्यों लेना है लगातार आप आरोप लगाए थे प्रमुख बात आप बता दीजिए कि ये लाइन है जिसे भ्रष्टाचार है विकास पर है सड़कों पर है बिजली पर है वो लोग बोलते हैं रस्सा बनाया मैं बोला 60 करोड़ रुपए इन्होंने लिया है उसमें क्यों नहीं उनकी ब्रेन मैपिंग हो रही है क्यों उनकी लाइट टेस्टिंग नहीं तो आ जाए ना उन्होंने दे ना इनके जो नेता है लोक नेता ने उनकी ब्रेन मैपिंग और मैं खर्चा करने को तैयार हूँ ना कैलाश पटेल आगरी से ना खर्चा करने के लिए जो भी ब्रेन मैपिंग और नारकों के लिए खर्चा है कैलाश पटेल करेगा वो आके उनका कोई ऐसा नगर सेवक आए हम लोग ने तो ओपनली दी है कोई नगर सेवक आके बोले कि हमारे लोग भ्रष्टाचारी नहीं है तो आके उसने ब्रेन मैपिंग और मैं 2-4 जन के नाम देता हूँ उनकी ब्रेन मैपिंग करो पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी पूरी वसई तालुके में पैसा कैसा इकट्ठा होता है किधर जाता है किसके अंडर किसके पास जाता है वो डिटेल आ जाएगा। क्या आपको लगता नहीं सारे मुद्दे जो अभी तक हुए नहीं अधिकारी तंत्र की तरफ से उसके पीछे राजनीति है कोई राजनीति अभी वो बोल रहे कि इलेक्शन अभी टाइम तो दिया है इनको आचार संहिता का अभी देखते अभी देखेंगे नहीं आएंगे तो हम लोग उतरेंगे फिर अग्रिधन का दिखाएंगे अग्रिधन का क्या रहता है देख लेना ये तो करना ही है इनको काम जो जब CM साहब ने बोले कि कलेक्टर के पावर में जितने काम है वो उनको करना है तो करना ही है यानी सीधे आपका ये सीधे सरकारी तंत्र को कहना ये है कि अगर वो काम नहीं किए तो आने वाले समय में आगे से ना सड़कों पे उतरेंगे। मैं ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ नहीं हूँ मैं डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हूँ मगर मेरे काम नहीं हुए कलेक्टर बोलने के बाद CM ने जब डायरेक्शन दिए और कलेक्टर ने बोलने के बाद काम नहीं हुए तो हमको रस्से पे उतरना पड़ेगा जी। लेकिन कल आप जा रहे हैं फिर से कल? हाँ कल हमको 12 बजे बुलाया है सब सब्जेक्ट लेके जा रहे हैं हमके कम से हमारे 14 से 15 डेलीगेशन जा रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट है जो आपको मैंने बताया हो कि उसमें पॉजिटिवली टाइम ड्यूरेशन देंगे हम इतने टाइम में हमारा काम होना चाहिए नहीं हुआ तो हमको रस्से पे उतरना पड़ेगा। लगभग सारी बातें इन बातों में एक बात तो साफ है कि आगरी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष ने खुलकर ये बात बोल दी कि अगर इन प्रमुख मुद्दों पर काम नहीं हुआ तो आगरी सेना अपने दमखम के साथ सड़कों पर उतरेगी या जो उसको संघर्ष करना पड़ा वो करेगी। लेकिन बात यह भी है कि आरोप सीधा उन पर लग रहा है जो सत्ता पक्ष है। देखना यह होगा कि आगे आने वाले समय में अधिकारी तंत्र इनकी इन पूरी बातों से कितनी सहमत होते हैं कितना काम करते हैं और किस प्रकार से जनता को उनके अधिकार प्राप्त होते हैं। धन्यवाद।